हमें पता है कि एक सिंगल सेल जाइगोट वुम में फुली डेवलप्ड बेबी बनता है और इवेंचुअली एक फुली ग्रोन एडल्ट बन जाता है। आपने इंजरी के बाद स्किन को रीअपियर होते हुए भी देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब पॉसिबल कैसे है? ये सब एक प्रोसेस की वजह से होता है जिसे सेल डिविजन बोलते हैं। सेल डिविजन प्रोसेस में एक मैच्योर सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। अर्थ पे लाइफ पूरी तरह सेल के डिविजन की एबिलिटी पर ही डिपेंड करती है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा और बैक्टीरिया के लिए सेल डिविजन ही रिप्रोडक्शन का तरीका है। हम जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिविजन ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन में हेल्प करता है। अगर सेल डिवाइड ना करे तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से ना बेबी बनना पॉसिबल है और ना ही बेबी से एडल्ट बनना। सेल डिविजन के बिना वुंड भी हील नहीं होगा, क्योंकि स्किन रीजनरेट होने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। ये सुनने में स्कैरी है ना? अब हमें पता है कि सेल डिवाइड होता है, तो चलिए अब सेल डिविजन का प्रोसेस समझते हैं। सेल डिविजन में दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, इंटरफेस और एम फेस या माइटोटिक फेस। इंटरफेस में सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो जाता है। एक सर्टेन साइज तक ग्रो होने के बाद सेल एम या माइटोटिक फेस में चला जाता है। एम फेस में सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। क्योंकि न्यूक्लियस सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है, तो इसका डिविजन सबसे पहले होता है। इसीलिए माइटोटिक फेस के दो स्टेप्स हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। क्या आप नाम से बता सकते हो कि इनका मतलब क्या है? वेल, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है और काइनेसिस का मतलब डिविजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिविजन है। ये एम फेज का फर्स्ट पार्ट है। जब न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, तब सेल में साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। आई होप कि आपने अब साइटोकाइनेसिस का मतलब गेस कर लिया होगा। हाँ, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और ये सेल डिवीजन का लास्ट स्टेप है। साइटोकाइनेसिस में सेल मेम्ब्रेन में फरो फॉर्मेशन होता है, जिससे सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल होता है, जो सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस एक यूनिक वे में होता है। कैरियोकाइनेसिस के कम्प्लीट होते ही प्लांट सेल के बीच में एक सेल प्लेट डेवलप होता है। ये सेल प्लेट स्लोली एक्सटेंड होता है और सेल वॉल बन जाता है। इससे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है और दो डॉटर सेल्स बनते हैं। तो अब तक हमने सेल डिवीजन का प्रोसेस देखा है, अब सेल डिवीजन के टाइप्स के बारे में जानते हैं। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जो हमारी बॉडी के सारे लिविंग सेल्स में होता है। ग्रोथ से लेकर रीजनरेशन तक माइटोसिस एक ऐसा सेल प्रोसेस है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होकर दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होता है। इसे समझने के लिए हम ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। एक ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। इंटरफेस में क्रोमोजोम डुप्लीकेट होकर 92 बन जाते हैं। सेल फिर माइटोसिस के एम फेज में एंटर होता है, जिसमें दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल के डुप्लीकेशन और इक्वल शेयरिंग के कारण दोनों डॉटर सेल्स एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं। माइटोसिस सारे लिविंग सेल्स में होता है, पर हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होता है। ये जर्मिनल सेल्स हैं जो गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये मेल्स में स्पर्म्स और फीमेल्स में ओवा प्रोड्यूस करते हैं। माइटोसिस की तरह मियोसिस का भी एक और नाम है, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस के एंड में डॉटर सेल्स के पास सिर्फ 50% जेनेटिक मटेरियल रहता है। अब इसे भी एक ह्यूमन सेल के एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। मियोसिस के इंटरफेस में क्रोमोसोम नंबर डबल होकर 92 होते हैं, पर मियोसिस के एम फेस में दो बार सेल डिवीजन होता है, जिससे 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और उनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि इनमें आगे होने वाले मियोसिस से जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा? ऑब्वियसली नो। जैसे मैंने पहले बताया, मियोसिस सिर्फ जर्मिनल सेल्स में होता है और इसका एम है हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करना। वेट, ये हैप्लॉइड क्या होता है? वेल, अगर कोई भी ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स की जगह सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हों, उसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं।
और जिन सेल्स में 46 या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो तो उन्हें हम डिप्लॉइड बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गैमेट्स हैप्लॉइड क्यों होते हैं। वेल, हमें पता है कि स्पर्म और एग के फ्यूज होने से जाइगोट बनता है। सोचो अगर स्पर्म और एग दोनों डिप्लॉइड होते तो क्या होता। हाँ, जाइगोट में 92 क्रोमोसोम्स होते और फिर आने वाले जनरेशन्स में 184 और उसके बाद 368 क्रोमोसोम्स होंगे। ऐसे क्रोमोसोम्स का बढ़ना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, इसीलिए गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होने चाहिए। तो हमने आज सेल डिवीजन के प्रोसेस और टाइप्स के बारे में सीखा। चलिए अब हम रिकैप कर लेते हैं। सेल डिवीजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल का नंबर बढ़ता है। सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में दो स्टेजेस हैं, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस में सेल ग्रो होता है और जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है, जबकि एम फेस में सेल डिवाइड होता है। एम फेस में दो स्टेजेस हैं, पहला कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दूसरा साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जो साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। सेल डिवीजन के दो टाइप्स हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है और इसमें आइडेंटिकल क्लोन डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है और इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है, इसीलिए गैमेट्स को हैप्लॉइड बोलते हैं। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग अबाउट सेल डिवीजन। स्टे क्यूरियस एंड वील मीट अगेन वेरी सून।